नमस्कार दोस्तों, खुराना डेयरी फार्म पे आपका स्वागत है। देख सकते हैं आज हमारे पास ये भाई साहब आए थे एमपी, कौन सी जगह? मुरैना। एमपी मुरैना से। आगे की जो जानकारी है वो इन्हीं से लेंगे और इनसे आपको रूबरू कराएंगे। भाई साहब कौन सी जगह से आए आप? मुरैना से आए। मुरैना से आए हो? यहाँ खुराना डेयरी फार्म पे कब आए थे? चार दिन हो गए। आज पाँचवा दिन है। और आप कितने बजे वहाँ जो गंगानगर आए थे? रात को 9:30। 9:30 बजे। और आपने फ़ोन किया हमें और हम कितनी देर में आपको वहाँ लेने पहुँच गए गंगानगर? आधे घंटे एक घंटे में वहाँ गंगानगर। इन्होंने हमें फ़ोन किया कि हम ट्रेन में आ रहे हैं। सीधा ग्वालियर से ट्रेन आती है आपकी? हाँ, ग्वालियर से ट्रेन आती है। और कितने जानवर लिए आपने? 4,000। कितने पैसे में लिए? पहले आप बताओ, सारा एरिया में घूमे? हाँ घूमे साहब, सभी जगह। हाँ सर। पहले तो ये बताओ, जो यहाँ माल देखा और रेट देखा वो कहीं मिला आपको? आप ईमानदारी से बताना, ये नहीं है मेरी कोई करके बताना। जो यहाँ रेट मिला और दूध मिला और ईमानदारी से वो बाहर देख के आए, वो मिला किसी के पास? नहीं मिला। और क्या कह रहे हो कि कितने जानवर लिए आपने? 4। कितने पैसे में? चारों के चारों यहाँ से? हमारे फार्म से लिए कि बाहर से लिए? नहीं, यहाँ तुम्हारे से। सारे पहले बाहर देखा है सभी जगह और फिर यहीं से लिए? कितने में लिए चारों के चारों? चारों के चारों 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपये में चारों जानवर। और क्या कह रहे हैं कि एमपी मुरैना में? कितने कितने दूध किए और कितने टाइम दूध देखा आपने? 1 टन 16-17 लीटर नापा है। 1 के 16-17 लीटर दूध निकाला? ताजी भी आई है। और बाकी तीनों भैंसे, ये कितने कितने दूध की आप अनुमान लगा के ले रहे हो? ये जो अनुमान लगा के 15, 12-13 पे ले रहे हैं, ये 2 15-15-16 15-15-16-16 लीटर पे। एक भैंस तो 20 लीटर से प्लस जाएगी वैसे, पर आप जो भी अनुमान लगा लिया वो आपकी समझ है। वो मौजूदगी में अभी है। हाँ, कितना दूध है उसके अभी? अभी 16-17 लीटर है। 16-17 लीटर कितनी बार निकाला आपने? तीन बार निकाला। कोई और यहाँ आप जब आए हो, दुआई कितने बजे हम करते हैं सुबह? और कोई सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच। और शाम को? शाम को 6-7 के बीच। शाम को 1 घंटा लेट हो जाती है और दिन में 1 घंटा पहले हो जाती है 5 बजे। और कोई भी भाई आए किसी समय 5 बजे दिन में दुआई करते हैं और शाम को करते हैं 6 बजे। उस समय तक आपको भैंसे रुकी मिलेंगी। ये देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी भैंसे ली। रामू चला के दिखाना इसको, देख सकते हैं। एक तो ये भैंस ली है इन्होंने, खोल दे भाई को, वो बीच में से निकाल देना, बीच में से निकाल। ये देख सकते हैं, एक तो ये जोटी ली है, बहुत ही बड़े साइज की जोटी है। इस तरह की जोटियों का लोग 1.5-1.5 लाख रुपए मांग लेते हैं। और ये देख सकते हैं बहुत ही बड़े साइज की जोटी है। इधर ले ले, इधर रम, कोई बात नहीं, किधर जाना था। ये देख सकते हैं ये जोटी ली है एक दिन इन्होंने, बहुत ही बड़े साइज की जोटी लिया। सफाई देख सकते हैं अडर की कितनी ज़्यादा जोटी में। इस तरह की जोटियाँ घर घर नहीं मिलती, यहाँ से कहने को कोई कुछ ही कह रखे। बम और ये एक ये लिए। हाँ, ये देख सकते हैं कि ये जोटी ली है इन्होंने। चला के दिखाना क्या ऑर्डर लगा इसके भी। अभी 4 दिन की भई है, कितना खीस निकाला है इसकी? 13 लीटर। 13 लीटर दोनों तीनों टाइम लगाया? हाँ। और हमने कितना बताया था आपको? वही बताया था आपको, 12-13 लीटर ही हमने बताया था। अभी ये भी देख सकते हैं कितने बड़े साइज की और क्या ऑर्डर लगा इसके भी देख सकते हैं। भैंस के ले आओ वापस। ये भैंस ने कितना दूध दिया ये देख सकते हैं। बिल्कुल कमज़ोर सी भैंस है और दूध इतना ज़्यादा बढ़िया निकाल रही है जो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा है। उम्मीद से ज़्यादा है, इसको हम भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। कितना दूध निकाला इसने आप? इसमें 16-17 लीटर दूध। 16-17 लीटर इन्होंने निकाला है इस भैंस का दूध। अभी तीन टाइम निकाला है वो तो। लीटर लगाया कैसे निकाला? नहीं, लीटर से नापा है। ये देखना रमू, चलाना इसको। ये देख सकते हैं इसके 16-17, बिल्कुल कमज़ोर सी भैंस है और 16-17 लीटर भी निकाल रही है। जिस तरह से ये चल रही है 20 लीटर दूध भी दे सकती है भैंस। ले आओ वापस। इसने 16-17 लीटर दूध निकाला है। ये भी साइज तो पूरा था भैंस का, पर कमज़ोर थी, पर दूध में बहुत बढ़िया बेस्ट भैंस निकली है। ये पहले इन्होंने ये भैंस ली नहीं थी, दूसरी ली थी? हाँ, पहले दूसरी ली, फिर ये दूध निकालने के बाद में ये किए सिलेक्ट। हाँ, ये बाद में दूध, जब पहले दूसरी भैंस का सिलेक्ट होगी वो अंदर खड़ी है, वो दिखाना जोटी भी लाना पहले भैंस वाली। और फिर बाद में जब इसका दूध देखा 3 टाइम इन्होंने, तो 8.5-8.5 लीटर नापा इन्होंने अपने हाथ से, तो फिर उन्होंने कहा ये भैंस लेंगे हम। मैं कहा कोई बात नहीं, जो आपको अच्छी लग रही है वो ले लो। और एक ये पहले भैंस की जोटी ली है, ये भी फुल साइज की जोटी है।
देख सकते हैं ये ताजी भी है, ये बिल्कुल कीस ही है इसके। इसने कितना कीस निकाला, क्या कह रहे हैं पंडित जी? सबसे बड़ा गांव है हमारा मोरा, मेरा नाम है कुमेरी गांव, कुमेरी गांव से हो। ये पंडित जी हमारे गुस्से हो रहे थे, इनकी वीडियो नहीं बनाई भाई, इनकी भी बनानी पड़ेगी हमें। पंडित जी यहाँ आके आपको कैसे लगा, सही दिल से बताना, बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, सही सही जो अपने दिल से बताना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। पूरे एरिया में घूमे? हाँ खूब घूमे पूरे एरिया, वहाँ से और यहाँ में कुछ फर्क है क्या? नहीं है, नहीं फर्क है, बहुत अच्छा एरिया है, बहुत सज्जन एरिया है पूरा। वो तो है कि जैसे औरों के डेयरी फार्म भी देखे आपने सभी जगह, कम से कम 30-40 डेयरी फार्मों पे जाके आए हो, यहाँ के और रेटों में और बाहर के रेटों में कुछ सबसे अच्छी है। और आपने मेरे पे ये मत कहना कि चार में वास्तव में, और यहाँ दूध वाला भी है सब, दूध आपने निकाला पैसों का? मैंने चार दिन से दूध बराबर शाम सवेरे निकाल रहा हूँ सब दूध वाले। आपने चार टाइम देखा, इन्होंने तीन चार दिन से देखा। हाँ। सुबह कितने बजे दूध निकालते हैं? मैं सवेरे हो जाता है 5 बजे स्टार्ट और 7 बजे तक निकलता है, 7 बजे तक। ऐसे तो नहीं है कि जैसे कोई टाइम लगा दिया या कुछ? नहीं, कोई टाइम नहीं, जो मर्जी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते, ये MP से तो वैसे भी बहुत ज्यादा हमारी ये समझ लो रिश्ता ही हो गया कि बहुत ज्यादा माल जाता रहता है MP में, महीने में 10-20 भैंस तो आरामदारी से निकल ही जाती है, कई बार 50-50 भैंस भी हर महीने निकल जाती है। चलो कोई नहीं, आप कहते बस ये मेरा भी लंबा व्यापार चलता है भैंसों का। आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। आप हरियाणा से और कहाँ से ले जाते? हरियाणा, पंजाब, झुंझुनू, यहाँ से सबसे मैंने गाड़ी बदली है। आप उधर भैंसे भी देखिए और इधर देखिए, कुछ फर्क है दोनों भैंसों में? यहाँ जंगल दूध का है, जंगल दूध का, वहाँ से दूध ज्यादा देती है? ज्यादा देती है, पंजाब, हरियाणा से पंजाब ज्यादा देता है और पंजाब से आपके यहाँ ज्यादा देती है। दूध का अंतर तो ठीक है, और क्या कहते बाकी वैसे? यहाँ सज्जन मतलब सीधा चौपा है, ढीला सज्जन, सज्जन चौपा है यहाँ का, उदम नहीं करता है, और पंजाब का हरियाणा थोड़ा उदम करता है। मेरे को समझ नहीं क्या कहा आपने, मतलब ये अच्छी है, ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है, अच्छा, शांत स्वभाव की है, गर्म नहीं है यहाँ की? गर्म नहीं है। हाँ ये तो है, यहाँ की भैंस बच्चा छोटो ना छोटो जैसे मर्जी दूध निकाल लो, ठीक है। वहाँ की सुंदर तो ज्यादा थोड़ी सुंदर है और हार्ड भी बड़ी है, बाकी वैसे सुंदर तो ज्यादा है, पर दूध में यहाँ दूध में यहाँ की दूध का जंगल है, ठीक है। आप तो थेने में सवेरे वहाँ से खड़ा होकर सब भैंसों का दूध देखता था आपने? देखा कितने बजे जल्दी जग जाता? कितने बजे देखा? 5 बजे तक स्टार्ट कर दिया, 7 बजे तक देखता हूँ, ठीक है। चलो रामू को पता है मैं पूरी भैंस देखता हूँ, वैसे मैं पूछो घूम भी जाता हूँ रात भी, कोई बात नहीं, सही है। मेरे भैंसों में मन लगता है 12-14 भैंस खुद रखता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ संतुष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत, ठीक है।